50 लाख का निधि है और ये 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। कम से कम 70-80 करोड़ के रास्ते पास हुए हैं, उसमें सब मरलदी का रोड है, उसवलवाड़ी का रोड है और मेट्रो का है, स्टेडियम का है, धोबी तालाब। एक अच्छा निधि ये सरकार के माध्यम से मुझे मिल रहा है और इसमें आने वाले काल में पूरे भिवंडी में अच्छे सीमेंट के रोड मिलेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले के 50 लाख रुपए की निधि से शुरू की गई विकास के कार्य की शुरुआत। तस्वीर के भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 23 के आदिवासी पाड़ा में पिछले कई वर्षों से नाले की समस्या थी, जिसे लेकर आम नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस बीच आपको बता दें कि स्थानीय पूर्व नगर सेवक नीले चौधरी ने इस मुद्दे को देखते हुए विधायक महेश चौगले के पास समस्याओं को शिकायत की और विधायक महेश चौगले ने अपने विधायकीय निधि से 50 लाख रुपए की निधि मंजूर कराकर आपको बता दें कि तत्काल इस कार्य की शुरुआत करने के लिए हरी झंडी दे दी। विधायक महेश चौगले ने इस कार्य के भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे, जहां आप तस्वीर में देख सकते हैं कि स्थानीय पूर्व नगर सेवक नीले चौधरी भी मौजूद थे। नारियल फोड़कर विशेष तौर पर गटर नाले के साथ में प्योर ब्लॉक के काम की शुरुआत की जाएगी। आदिवासी पाड़ा के रहवासियों ने विशेष तौर पर भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले और स्थानीय पूर्व नगर सेवक नीरज चौधरी का आभार प्रकट किया। साथ ही साथ इस कार्य को जल्द से जल्द समापन कर दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन आप तस्वीर में देख सकते हैं कि विधायक महेश चौगले और नीरज चौधरी देते हुए दिखाई दिए। और ये 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। और नीले चौधरी जी का जाके नगर से उनका बारंबार तकरार की गई, इधर आदिवासी पड़ा हलवा पड़ा, इधर वो बहुत तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, तो उसके माध्यम से वैसा ही काम लिया, सिर्फ गटर का लिया और थोड़ा फोए प्योर ब्लॉक लिया और ये काम अच्छे तरीके से हो रहा है और सब जगह भिवंडी में। कल भी एक अच्छे मेरे क्षेत्र में एक कम से कम 70-80 करोड़ के रास्ते पास हुए हैं, उसमें सब मरलदी का रोड है, उसवलवाड़ी का रोड है और मेट्रो का है, स्टेडियम का है, धोबी तालाब कनेरी का है, ऐसे एक 70-80 करोड़ के भिवंडी सिटी के रोड पास हो। एक अच्छा निधि ये सरकार के माध्यम से मुझे मिल रहा है और इसमें आने वाले काल में पूरे भिवंडी में अच्छे सीमेंट के रोड मिलेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। नीले जी क्या कहेंगे, आपके वार्ड में कई सालों से यह समस्या थी, जनता यहाँ पर कंप्लेंट कर रही थी, कई सालों से आप भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज आमदार की निधि से ये काम का पूर्ण हो रहा है। आज आमदार महेश जी चौगुले के माध्यम से हमारे आदिवासी पाड़ा अंजू पाड़ा के सभी लोगों को एक राहत की सांस दी है। ये बहुत दिनों से काम पेंडिंग था और वो पेंडिंग काम मैंने वारंवार हमारे विधायक महेश चौगुले से कहा कि आप हमको निधि दो, क्योंकि निधि महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण साहब ने हमको पूरे क्षेत्र के लिए कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का निधि दिया और जो रोड हुए एक अंजूर पाटा से ब्रह्मांड नगर आरसीसी रास्ता हुआ है, अभी जकात नाका ताड़ाली और वराजी चौक, फिर ये तुम्हारा गामतगर गावटन से लेके ओसवालवाड़ी तक, ओसवाल स्कूल से लेके सिल्वर लिप तक, ये सारे रास्ते जो है वो भी कॉन्क्रीटीकरण करने का काम किया। अभी यहाँ पे जो काम होने वाला है सचमुच यहाँ पे सभी लोग परेशान थे और ऐसा ही नहीं, सब नागरिक वारंवार तकरार करने के बाद ये काम पेंडिंग था, कई कारणों से ये रुका हुआ था। साहब ने परसों मीटिंग लिया और उन्होंने कहा कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। वो अधिकारी से बातचीत की, अधिकारियों ने बोला क्योंकि हम ये 3 महीने में आपको ये जो आदिवासी पाड़ा है चकाचक करके देंगे और हम सभी नागरिक जो आदिवासी पाड़ा के, अंजूर पाड़ा के और सभी प्रभाग के 23 के सभी नागरिक, हम महेश जी चौगुले साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सभी क्षेत्र के अंदर लाइट हो, पानी हो, गटर हो, रोड हो, चिकित्सा हो, सब में हमको कॉपरेट किया, निधि दिया। ऐसा विधायक जो अपना है ये बार बार चुन के आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनका काम जो है
वो हर गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचता है, आज उन्होंने दिखा दिया। इसके लिए हम सभी रहवासी की वजह से सबका शुक्रिया अदा। लगभग कितने मीटर नाले का काम है यह? पूरा भी 50 लाख रुपए का सारा नाला है, तो वो 50 लाख रुपए में जो भी है हमको जरूरत है वो अपन पूरा करेंगे। ओके।